बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का नंबर टू कॉन्सेप्ट इनकम। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इनकम के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलने वाली आपकी जो अमाउंट है उसको हम इनकम कहते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इनकम दिख रहे होंगे, इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो नोट डाउन किया है वो है रेमुनरेशन ऑफ लेबर। रेमुनरेशन ऑफ लेबर क्या है कि आप जब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आती है वो इनकम में शुमार होती है इकोनॉमिक्स की रूह से। और दूसरी जो चीज़ है वो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप किसी भी चीज़ को इनकम में शुमार नहीं कर सकते। थर्ड जो पॉइंट है वो आ रहा है इलीगल अर्निंग्स का। इलीगल अर्निंग मीन्स कि जो भी एक्टिविटी इलीगल होगी उसके अकॉर्डिंग जो आप इनकम गेन करेंगे वो इनकम के हेड में शुमार नहीं कर सकते। और फोर्थ वन है चैरिटी, यानी कि जो जिस तरह से आप चैरिटी के मद में जो पैसे खर्च करते हैं, जो कुछ भी चैरिटी के हवाले से यूज़ किया जाता है वो इनकम नहीं होती, वो एज अ गिफ्ट इस्तेमाल हो रही होती है। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ इनकम की बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम एक्चुअली क्या होता है कि ये हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स की ग्रॉस इनकम जो है वो शुमार होती है। और इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, पेमेंट्स एंड रेंट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अर्निंग बिफोर एनी डिडक्शन ऑफ द टैक्स। यानी कि जब तक टैक्स डिडक्ट नहीं होता तब तक जो अमाउंट आपके पास जो पेमेंट्स की फॉर्म में है, जो इनकम की फॉर्म में है, जो प्रॉफिट्स की फॉर्म में है, जो रिसीविंग्स की फॉर्म में है, उनको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। और उसके बाद जब उसी ग्रॉस इनकम में से प्रॉफिट लेस कर दिया जाता है तो वो नेट इनकम बन जाती है। नेट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड नेट अर्निंग, इज कैलकुलेटेड एज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ें जब इसमें से हम लेस करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो नेट इनकम कहलाती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है वो पर्सनल इनकम का है। पर्सनल इनकम नाम से ही जाहिर है कि ये एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम या टोटल अर्निंग फ्रॉम वेजेस, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम एंटरप्राइजेज एंड अदर वेंचर्स जो है ये शुमार होती है। इट इज़ अ सम ऑफ ऑल द इनकम्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा नेशनल इनकम। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। लाइक पर्सनल इनकम में क्या था, हम इंडिविजुअल्स को देख रहे थे, और नेशनल इनकम में हम ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा फ्रॉम द 1st जुलाई। दस इट इज़ अ नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम पैसों की मद में देखेंगे कि एक साल के अंदर एक मुल्क के बाशिंदे कितना कमाते हैं। टोटल अर्निंग्स जो है वो नेशनल इनकम में शुमार होता है। और जैसा कि हमने नेट इनकम का कॉन्सेप्ट देखा था, सेम उसी तरह से ये नेट नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है कि जब पूरे साल के अंदर एक मुल्क के अंदर जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, जितनी भी टूट फूट होती है, जितने भी और डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको जब हम लेस कर देते हैं नेशनल इनकम में से, तो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो नेट नेशनल इनकम का आता है। दस इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज of any country during a period of 1 year and is valued in terms of money. उसके बाद आ जाते हैं हम next concept की तरफ। ये हम discuss करेंगे अगली class में। Till then, thank you so much. Allah Hafiz.